CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम सुविचार्य विधातव्यम। एक गांव में माधव नाम का एक गोपालक रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। उनके पास एक सुंदर गाय थी। गाय का नाम था नंदिनी। माधव रात दिन नंदिनी की सेवा में लगा रहता था। मालती भी मनोयोग से माधव के कार्यों में सहयोग किया करती थी। एक दिन माधव ने मालती को पुकारा। मालती, अय मालती, गौ समागता, आगच्छ। एश आयामि। दुग्ध दोहनम कुरु। अधुना दुग्ध दोहनम करूंगी। मालती, अस्माकं गौः बहु दुग्धं ददाति। स्वामिन, कथन न? अस्माभिः महती सेवा अपि क्रियते। अस्तु अस्तु, क्षुधितोऽस्मि, इदानीं भोजनं देहि। गृहाण भोजनम्। स्वादु भोजनम्। शान्तोऽस्मि। संपूर्णमपि दिवसं गाश्चार्यन् सांप्रतं निद्रा मां बाधते। हरे मालती, कश्चन अस्माकं गाहरति। आगच्छ, तस्या रक्षा करणीया। अरे स्वामिन, किं ब्रूते? उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। किं? प्रातः कालः संजातः, इदानीं गोः सेवा करणीया। इसी बीच मालती की सहेली मनोरमा का आगमन होता है। वह मालती से बोलती है। मालती, आम, त्वं तु गोसेवायां अहर्निशं व्यापृतासि। मनोरमे, कथय, किं वृत्तम्? मालती, ग्रामात् बहवः जनाः मेला दर्शनार्थं गच्छन्ति, त्वमपि चल। आम, चलामि। मनोरमे, अधुना त्वं गृहं चल, अहमपि मेला दर्शनाय वस्तूनि सज्जीकृत्य शीघ्रम् आगच्छामि। अस्तु। मनोरमा के चले जाने पर मालती मेला देखने की उत्सुकता में जल्दी जल्दी तैयार होने लग जाती है। वह तरह तरह के व्यंजनों का निर्माण करती है। इसी बीच घर में माधव का प्रवेश होता है। मालती, अय भो मालती, इदानीं कस्मिन् कर्मणि व्यापृता? स्वामिन, बहवः जनाः मेला दर्शनार्थं गच्छन्ति। तैः साकम् अहमपि गच्छामि। साधु, परं मोदकगन्धः कुतः आगच्छति? स्वामिन्, अहं मेला दर्शनाय गच्छामि, अतः पाथेयनिमित्तं मोदकानि रचयामि। परं मालती, मोदकानि मह्यं बहु रोचन्ते, अतः एकं मह्यं देहि। अयि भो, नहीं नहीं, एतदर्थम् अनुबन्धः अनुपालनीयः। अनुपालयिष्यामि अनुबन्धम्, परं कथय, कीदृशः अनुबन्धः? अनन्तरं वदिष्यामि। भवतु, कृपया देहि इदानीं मोदकम्। अस्तु, गृहाण, अहं मेला दर्शनाय गच्छामि, भवान् तावत् गोः पालनं करोतु। साधु। माधव को लड्डू देकर मालती मेला देखने के लिए चली जाती है।
उसके बाद माधव सोचता है। इदानीम् अस्ति गोदोहनकालः, परम् अहम् तु दुग्धदोहनम् कदापि न कृतवान्। दुग्धदोहनम् तु मालती एव जानाति, किं करोमि तावत्। अब गांव का सेठ माधव के पास आकर बोलता है। भोगपालक, अहम् अग्रिमे मासे एकं यज्ञं करिष्यामि। तस्मिन् यज्ञे 300 लीटर परिमितस्य दुग्धस्य आवश्यकता अस्ति। किम् एतावन् मात्रं दुग्धस्य व्यवस्थां कर्तुम् अर्हसि त्वम्? एतद्विनिमयेन अहं विपुलं धनराशिं दास्यामि। अहो, एतावन्मात्रं पयः विक्रीय बहुधनं प्राप्सि, येन एकस्य भवनस्य निर्माणं कारयिष्यामि। नन्दिनी, यथेष्टं शस्यं भक्ष, गुडमपि खाद, त्वत्कृपया बहुधनी भविष्यामि अहम्। एकवारं ग्रहीष्यामि पयोऽस्याः प्राज्यमुत्सवे। नन्दिनी, अधुना अहं दुग्धदोहनं न करिष्यामि मासपर्यन्तम्, एकवारमेव दुग्धदोहनं करिष्यामि। माधव नंदिनी की सेवा में लगा हुआ था। मेला देखकर मालती जब घर आई तो उसने सब कुछ उसे बताया कि पड़ोस के सेठ के यहाँ एक महीने के पश्चात उत्सव है, जिसमें 300 लीटर दूध देना है। यह समाचार सुनकर मालती को आश्चर्य होता है। माधव ने उससे पुनः बताया, दूध का पैसा मिलेगा और हम बहुत धनवान हो जाएंगे। यह सुनकर मालती बहुत प्रसन्न होती है और दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस तरह माधव गाय का दूध दुहना बंद कर देता है, वह गाय की सेवा में लग जाता है। गाय के सोने पर सोता, उसके जागने पर जागता, कभी उसके सींगों में तेल लगाता, कभी उसको पंखा झलता। एक महीने के पश्चात आज मालती और माधव दूध दुहेंगे। 300 लीटर दूध दुहकर उसे सेठ को देना है और दूध के बदले प्रभूत धन प्राप्त करना है। इस उत्कंठा में मालती माधव से बोली। स्वामिन, गोदोहनस्य समयः समायातः। एवं। प्रथमं तु पूजा स्थालीं आनयामि, पञ्चोपचारैः अस्याः पूजनं कुर्वः। साधु। हरिः ॐ मौ भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेव भद्रं मालती। पूजनं तु सम्पन्नम्, अधुना गोदोहनाय घटान् आनय। एष आनयामि। नन्दिनी, भगवती किमर्थं मां व्याकुलयसि? सत्वरं दुग्धदानाय सन्नद्धा भव। माधव दूध दुहने का प्रयास करता है और जैसे ही माधव नंदिनी के थन में अपना हाथ लगाता है, नंदिनी अपने पिछले पैरों से माधव को मार देती है। किमभवत्? मालती, तू मूर्छिता जाता। भो, शीघ्रं जलम् आनय, एनां सचेतनां कुरु। अन्ते किमिदं मया कृतं?
भविष्यस्य चिन्तायां वर्तमानमपि विनाशितम्। किं कृतं त्वया? किं कथयामि? मासान्ते प्रभूतं दुग्धं ग्रहिष्यामि इति चिन्तयित्वा मासपर्यन्तं मया गौ न दुग्धा। परमिदानीं एषा तु दुग्धविरहिता जाता। स्वामिन् मा रोदिहि स्वामिन्। प्यारे बच्चों, आपने सुना, एक महीने तक दूध न दुहे जाने के कारण माधव की गाय नंदिनी दुग्ध रहित हो गई थी, और जब मासांत में माधव उससे दूध दुहने का प्रयास करता है तो दुग्ध रहित होने के कारण वो माधव को लात मारती है। इससे हमें सीख मिलती है कि जो हमारा नित्य का कार्य है उसे हमें नित्य करना चाहिए। जीवन में प्रतिदिन के कार्य को उसी दिन समाप्त कर देना चाहिए, लंबे समय तक उसे लंबित नहीं रखना चाहिए। सुविचार्य विधातव्यम् कार्यम् कल्याणकांक्षिणा यः करोत्यविचार्यैतत् स विशीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम्। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रंजीत बेहरा, डॉक्टर पंकज मिश्र, डॉक्टर बलदेवानंद सागर, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, प्रेरणा और धनश्री। ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।